ओके, सो विल कंटिन्यू विद द मेथड्स टू फाइंड द स्क्वायर फर्स्ट. ओके, मेथड्स मैंने आपको फर्स्ट मेथड बताया था कल, दैट वाज द मल्टीप्लिकेशन मेथड. राइट, क्लियर था वो सबको? यस मैम. देखिए, फर्स्ट वाज योर मल्टीप्लिकेशन मेथड. यस उसमें मैम. मैंने आपको कल दो आइडेंटिटीज बताई थी. एक तो था मल्टीप्लिकेशन, आप डायरेक्टली दो नंबर्स को मल्टीप्लाई कर लीजिए. दूसरा मेथड, दूसरी चीज क्या थी मल्टीप्लिकेशन मेथड में, मैंने आपको ये दो आइडेंटिटीज बताई थी. राइट, तो इसको, इनको कैसे आपको यूज करना है. सपोज आपको 102 का स्क्वायर निकालना है. राइट, आप डायरेक्टली भी निकाल सकते हैं 102 को 102 से मल्टीप्लाई करके. सेकंड मेथड क्या हो सकता है, आप 102 को 100 प्लस 2 लिख सकते हो. राइट, तो यहाँ पे ये किसकी तरह बिहेव करेगा, देखिए ए प्लस बी होल स्क्वायर की तरह बिहेव करेगा. ये फॉर्मूला अगर आपको याद होगा तो आप क्या करेंगे, ए की वैल्यू ए की जगह पे 100 पुट करेंगे, बी की जगह पे 2 पुट करोगे और इजीली आपके लिए कैलकुलेशन थोड़ी इजी हो जाएगी. बिकॉज 10 वाला जो नंबर होता है हम उसका स्क्वायर कैसे करते हैं, नंबर ऑफ जीरोस को डबल कर देते हैं. तो 100 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 10,000 प्लस 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 इंटू 2 4 इंटू 100 400. तो आंसर क्या आ गया, 10404. देखिए मल्टीप्लाई करने से ज्यादा जल्दी क्वेश्चन हो गया. राइट, तो इसे मैम कैन यू एक्सप्लेन अगेन दिस मेथड. मैम कैन आई एक्सप्लेन अगेन. यस नेहा, मैम कैन यू प्लीज एक्सप्लेन अगेन. ओके बच्चे, देखिए हम इसको क्या लिखते हैं, 100 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 100 इंटू 2. 2 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए बी है. तो ए का स्क्वायर, ये किसका फॉर्मूला है हमारा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर है ये. तो ए का स्क्वायर कितना हुआ, 10,000. 100 का स्क्वायर 10,000 होगा. जब भी आपके नंबर के पीछे जीरो है तो आप क्या करोगे, सपोज आपको 50 का स्क्वायर निकालना है, तो व्हाट यू विल डू, नंबर ऑफ जीरोस को डबल, 5 का स्क्वायर 25. क्लियर सबको? यस मैम. ओके, तो सिमिलर वे में 100 का स्क्वायर 10,000 हो गया, 2 का स्क्वायर 4 होता है और 2 इंटू 100, 200 इंटू 2 400. तो सबको ऐड कर दीजिए, आंसर आपको मिल गया. जब आप 102 को 102 से मल्टीप्लाई करोगे तब भी आपको 10404 ही आंसर मिलेगा. क्लियर मैम? कैन डू वन मोर एग्जांपल. देखिए मैम, कैन यू, देखिए मैं अब आपको 97 का एक्सप्लेन कर देती हूँ, माइनस वाला एक. ओके, 97 को आप क्या लिख सकते हो, 100 माइनस 3 लिख सकते हो. और फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab. प्लस और माइनस में सिर्फ लास्ट वाली टर्म में डिफरेंस आएगा, स्क्वायर हमेशा सेम रहेगा, प्लस में ही रहेंगे. तो ए की जगह पे 100 का स्क्वायर प्लस बी की जगह पे 3 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 100 इंटू 3. तो ये क्या आ जाएगा, 10,000 प्लस 9 माइनस 600. 10,000 माइनस 600 कितना होता है, 9,400. तो आंसर कितना आ जाएगा, 9,409. आप इसको ऐड करोगे तब तो 97 का स्क्वायर कितना होता है, 9,409 होता है. अभी क्लियर हुआ सबको? मैम बट व्हाई वी हैव टू फाइंड द स्क्वायर ऑफ 3? बच्ची ये मेथड है, फॉर्मूला है ये एक तरह से. आप डायरेक्टली मल्टीप्लाई करके भी फाइंड आउट कर सकते हैं. ओके ओके मैम. देखिए नेक्स्ट थिंग आपकी आती है, मेथड्स टू फाइंड स्क्वायर रूट, जिसके बारे में हमारा चैप्टर है. स्क्वायर रूट निकालने का आपका क्या मेथड है बच्चे, देखिए फर्स्ट मेथड इज योर प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड. प्राइम फैक्टराइजेशन मैंने सिखाई थी आपको सबको. यस मैम, लाइक एलसीएम टाइप. यस यस, प्राइम फैक्टराइजेशन आपको क्या करना है, उसमें सिर्फ आपको प्राइम नंबर्स ही लेने हैं. ओके, सपोज अगर आप निकालते हो
288 का, सॉरी 288 नहीं बच्चा, ले लीजिए आप 144 का आपको स्क्वायर रूट निकालना। ओके, तो आप कैसे इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे, 272, 236, 218, 29, 33 एंड 31। तो इसके फैक्टराइजेशन क्या हो गई, 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 3 × 3, राइट। अब आपको क्या करना है, जो भी ये फैक्टर्स आए हैं इनको 2-2 की पेयरिंग में, सेम फैक्टराइजेशन में 2-2 की पेयरिंग में बनाना है। ओके, और उन पेयरिंग में से कितनी बार नंबर लेना है, एक बार ही लेना है, 2 × 2 × 3। तो दैट मीन्स 2 × 2 × 3 को जब हम दो बार मल्टीप्लाई करेंगे और उसी नंबर से दोबारा मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें आंसर कितना आ जाएगा आपका, 12 आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 142। दिस इज योर प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। इजी है? या मैम सो इजी, इट इज इजी। सबको क्लियर हो गया ये मेथड? यस मैम। नो प्राइम फैक्टराइजेशन मैम। मैम फर्स्ट वी टेक द एलसीएम, देन मेक द पेयर्स एंड मल्टीप्लाई द पेयर्स। बच्चे इसको एलसीएम नहीं कहते हैं, इसको बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन करना। मैम दोज हु नो प्राइम फैक्टराइजेशन मैम दे कैन डू इट वेरी इजीली। यस ओके, तो सिंपल मेथड है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ऐसे ही आपको इस पे बेस्ड क्वेश्चन क्या आता है, देखिए आपको दिया जाएगा 144 की जगह दे दिया आपको 72। ओके, तो 72 की फैक्टराइजेशन क्या हो जाएगी, 3 × 2 आएगा और 3 × 3 होगा, और आपको पूछा जाएगा कि इसको किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो एक ये परफेक्ट स्क्वायर कंप्लीट है, 3 का भी कंप्लीट है पेयरिंग, क्या 2 की पेयरिंग कंप्लीट है, नो। तो जिस नंबर की भी पेयरिंग कंप्लीट नहीं होगी आपको उस नंबर से उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, सो दैट इट बिकम्स अ परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर अगर बनाना है तो इसको 2 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमें, तभी परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। तो इस बेस पे आपके पास क्वेश्चन आते हैं। ओके मैम, सो वी हैव टू मल्टीप्लाई 2 1 टाइम 2 1 टाइम एंड 3 1 टाइम। यस बच्चे, आपको आंसर क्या देना होगा कि 72 को किस नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए सो दैट इट बिकम्स अ परफेक्ट स्क्वायर। तो 72 की फैक्टराइजेशन तो ये थी सारी, हमें इसको किस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो योर आंसर विल बी 2। ओके ओके मैम। ओके, नेक्स्ट थिंग आती है आपका, नेक्स्ट मेथड आता है डिविजन मेथड। ओके, डिवीजन मेथड में क्या होता है बच्चे, देखिए आपको किसी भी, देखिए जो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है उससे या तो आप ये निकाल सकते हो कि आप किस नंबर से मल्टीप्लाई कीजिए उसको, या वो क्या नंबर है, परी सेट प्रॉपरली, किस नंबर से आपको उसको मल्टीप्लाई या डिवाइड करना पड़ेगा, या फिर आप क्या बता सकते हो कि वो उसका स्क्वायर रूट क्या होगा, राइट। लेकिन अगर कुछ ऐसे नंबर्स भी होते हैं जिनका स्क्वायर रूट आप डायरेक्टली, वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते, तो आप उन नंबर्स का स्क्वायर रूट कैसे निकालोगे बच्चे, देखिए जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है हम उनका पॉइंट्स में आंसर आएगा, राइट। जैसे रूट 3 होता है, रूट 3 की वैल्यू आप क्या करते हो, 1.73 करते हो ना, स्क्वायर रूट तो निकाला है हमने 3 का, लेकिन वो कैसे है 1.73 आया, वो कैसे डेसिमल्स में आया, वो किससे निकालते हैं हम, डिवीजन मेथड से। तो मैं आपको एक मेथड समझा रही हूँ, जैसे हम लोग निकालते हैं 28224, इसका अगर हमें स्क्वायर रूट निकालना है तो व्हाट यू विल डू इज, सबसे पहले आपको राइट साइड से 2-2 की पेयरिंग करनी है। एवरीबॉडी जस्ट पे अटेंशन, राइट साइड से 2-2 की पेयरिंग स्टार्ट करनी है नंबर्स की, और ऐसे सिंबल लगाना, ठीक है। फर्स्ट नंबर क्या है, सिंगल है वो 2, हमें देखना है 2 से छोटा स्क्वायर किसका होता है, किसका होता है 2 से छोटा स्क्वायर बच्चे, मैम 1 1 1 1। वेरी गुड, तो देखिए यहाँ पे 1 का स्क्वायर, और यहाँ पे क्वेश्चन में भी 1 आएगा, ठीक है। 1 का स्क्वायर 1 होता है, और दोनों को माइनस करोगे तो आपको 1 ही मिलेगा, राइट। हम लोग नॉर्मल डिवीजन में क्या करते हैं, सिंगल सिंगल नंबर्स नीचे लेके आते हैं, राइट। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, पेयर ही नीचे आएगा, 182
ठीक है। अब क्या बना, ये वन में ये वाला वन हमें ऐड करना है, टू बन गया। और टू के आगे भी हमने कोई नंबर लगाना है, जैसे अगर हम टू के आगे टू लगा रहे हैं तो उसको टू से ही मल्टीप्लाई करना है, टू के आगे थ्री लगा रहे हो तो थ्री से मल्टीप्लाई करना है, और ऐसा ऐसा नंबर हमने उसके आगे लगाना है जिसको उसी से मल्टीप्लाई करने पे हमें इससे छोटा या इसके इक्वल मिलना चाहिए। ओके, तो अगर हम 28 और 8 करेंगे, 8 8 जा 64, 8 2 जा 16 एंड 2 6 22, तो ये तो बड़ा हो गया। 27 इंटू 7 करोगे आप तो क्या आ जाएगा, 7 7 जा 49, 4, 7 टू 14 प्लस 4 189 हो गया, ये भी बड़ा है। तो नंबर क्या होगा उससे छोटा, 26 इंटू 6, 26 6 जा कितना होता है 156, तो यहाँ पे भी 6 लगाओगे और यहाँ पे भी 6 लगाओगे, कितना आ गया 156, 12 माइनस 6 6, 7 माइनस 5 2, और उसके बाद यही नंबर दोबारा से आप पेयर नीचे लेके आओगे 2 6 2 4। ओके, अब क्या करना है 26 में, अब हमें पहले हमने 1 में 1 ऐड किया था, अब हमारे पास नंबर क्या है 26 है, तो 26 में हमने क्या मल्टीप्लाई किया था, 6 किया था मल्टीप्लाई, अब वही हमें ऐड करना है 26 प्लस 6 32, और सेम प्रोसीजर 32 के आगे अब हमें कोई नंबर लगाना है और वही नंबर यहाँ पे लगाना है, तो आप किससे लगाओगे 8 आएगा वो, ऐसी मल्टीप्लीकेशन जब आप देखोगे तो दैट नंबर विल बी 8, तो 328 इंटू 8 जब आप करोगे तो आपको 2624 ही मिलेगा। ओके, इक्वल मिल गया, या तो उससे छोटा मिलना चाहिए या इक्वल मिलना चाहिए, हमें इक्वल मिल। यस मैम, कैन वी टेक एनी नंबर, कोई भी लेके चेक कर सकते हैं बच्चे, या तो इसके इक्वल आना चाहिए या इससे छोटा, अगर इक्वल नहीं आ रहा है तब उससे छोटे वाला ऑप्शन लेना है आपको। ओके, देखिए हमने यहाँ पे 6 का और 7 दोनों का चेक किया था, 6 का छोटा था 7 का बड़ा था, तब हम छोटे वाला लेंगे, लेकिन अगर इक्वल मिल रहा है तो आप इक्वल वाला ही लोगे। एक्सक्यूज मी मैम। यस मैम, ड्यू टू सम नेटवर्क इशू द क्लास हैज बीन कटेड मैम, सो कैन यू एक्सप्लेन अगेन। बच्चे आप रिकॉर्डिंग चेक कर लीजिएगा फिर। ओके मैम। ओके, तो ये जो नंबर आएगा आपका क्वेश्चन में, दैट विल बी द स्क्वायर रूट ऑफ द नंबर। ओके, वो क्या होगा आपका स्क्वायर रूट होगा उस नंबर का, तो 2824 का स्क्वायर रूट कितना आया हमारे पास 168। क्लियर हुआ सबको मेथड? यस मैम। किसी को कोई डाउट मेथड में? यस, इज द मेथड क्लियर एवरीबॉडी? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Can you explain again? But you have joined us now. Yes, ma'am. Can you explain again? आप recording check कीजिएगा sir. सबको समझ आ गया बच्चे? Okay, please check the recording. Okay, no doubt in this method. No, ma'am. No, ma'am. No. Okay, देखिए बच्चे, इसमें अब आपके पास और क्वेश्चन किस टाइप से आता है, एक तो मैंने आपको बता दिया नंबर से किसको मल्टीप्लाई या डिवाइड करना पड़ेगा, राइट right? मैंने अभी प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में आपको टाइप बताई थी क्वेश्चन की, क्या पूछा जाता है इस चैप्टर में से? यस मैम, राइट। एक आपको वो उस टाइप से क्वेश्चन आ जाता है सिंपल, आपको डायरेक्टली पूछा जाता है कि स्क्वायर रूट, इसका स्क्वायर रूट क्या होगा, या फिर एक टाइप आपको ये आती है क्वेश्चन की, देखिए आपको दिया गया है अंडर द रूट y बाय 169 इज इक्वल टू 54 बाय 39, ठीक है। तो स्क्वायर रूट ऑफ y तो क्या होता है, स्क्वायर रूट ऑफ y ही होगा, 169 का स्क्वायर रूट क्या होता है 13, इट इज 54 बाय 39, तो आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके स्क्वायर रूट y की वैल्यू क्या आ जाएगी 54 इंटू 13 डिवाइडेड बाय 39, 13 थ्री जा 39 एंड 3 18 जा 54। आपको देखिए स्क्वायर रूट है किसी नंबर का 18, तो वो नंबर क्या होगा 18 इंटू 18 होगा, इज इट सो? आप 4 का स्क्वायर रूट अगर 2 लेते हो तो आप क्या बोलते हो, 4 क्या है 2 इंटू 2 है,
यस मैम। तो ऐसे ही अगर y का स्क्वायर रूट 18 है तो y की वैल्यू क्या होगी, 18 इंटू 18। और यहाँ से आप क्या कह सकते हो, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। अगर दोनों साइड्स का आप स्क्वायर करोगे तो क्या मिलेगा आपको, रूट वाई इंटू रूट वाई, और हमें पता है स्क्वायर रूट दो बार आता है तो वो y बन जाता है। तो 18 इंटू 18 कितना हो जाएगा, 324 हो जाएगा। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 324। इज इट क्लियर नाउ? यस मैम। ओके, एक इस टाइप का क्वेश्चन आपको पूछा जाता है। नेक्स्ट आपको एक टाइप और पूछी जाती है बच्चे, आपको क्यूब वाले क्वेश्चन नहीं करने हैं इस चैप्टर में, कुछ क्यूब के क्वेश्चंस भी हैं। ओके, सम टाइम क्वेश्चंस आर कमिंग मैम, एग्जांपल मैम फ्रॉम क्यूब। यस बच्चे, एक क्यूब वाले आपका चैप्टर नहीं है ना, स्क्वायर रूट से रिलेटेड चैप्टर है ये। क्यूब में कुछ नहीं होता है, डिफरेंस क्या है स्क्वायर और क्यूब में, स्क्वायर में आप नंबर को दो बार मल्टीप्लाई करते हो, क्यूब में आप तीन बार करते हो। और क्यूब रूट अगर आपको निकालना है तो जैसे आप प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में दो दो नंबर्स की पेयरिंग करते थे ना, यस हमने क्या किया था प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में, कि कुछ भी आ जाए तो किसको करना है, ए है तो ए को करना है, बी है तो दूसरी रकम भी आएगी। कॉपी लेके बैठ जाते हैं, कॉपी दे दो। तो क्यूब रूट में आपको क्या करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन में 2, 3, 3 नंबर्स की पेयरिंग करनी है। ओके, और कोई डिफरेंस नहीं है। आप प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से क्यूब रूट निकाल सकते हो, लेकिन उसमें क्या होगा, 2, 2 की पेयरिंग की जगह आप 3, 3 की पेयरिंग करोगे। ओके थ्योरी पार्ट ऑफ स्क्वायर रूट्स। पूरा वीडियो देखने के लिए और लेटेस्ट एग्जाम अपडेट्स जानने के लिए डाउनलोड करें कैरियर डिफेंस स्कूल का एंड्रॉइड ऐप।